हेलो गाइस, सो आज है मेरी दीदी का बर्थडे। हमने उसको बोल दिया है कि लॉकडाउन है तो हम नहीं आ पाएंगे, और उसने हमारी बात पे यकीन भी कर लिया कि हम नहीं आएंगे। लेकिन अब हम जा रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। अब हम उसको जाके सरप्राइज देंगे और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। सो गाइस, हम निकल चुके हैं। सो हम फुल सेफ्टी के साथ अपने मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लेकर, सब बिल्कुल सेफ्टी के साथ निकले हैं। तो भाई, हम यहाँ पार्किंग में पहुंच गए हैं। अब हम चलते हैं ऊपर। तो गाइस, 11:59 हो गए हैं। 1 मिनट बाद हम उनकी बेल बजाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं। ये मेरे जीजू अपने हाथों से केक बनाते हुए। तो ये केक हमारा रेडी हो गया है। तो ये जीजू ने बनाया है इतना सुंदर केक। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नेहा दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे, कोई बर्थडे गर्ल को भी खिलाएगा कि सब खुद ही खाते रहेंगे? तू ही खिला। ये मम्मी के फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट। थैंक यू। अब हम केक टेस्ट करेंगे कैसा बना है। ओए। तूने एक्सपेक्ट किया था कि हम आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और मैं तुमसे कल से पूछ रही थी कि मुझे बता दो आओगे। मैं कुछ तैयारी करके रख रही थी, मैं तो तैयार भी नहीं हुई। इतना ही तो कहते हैं सरप्राइज, अगर हम तुझे बता के आ रहे तो इतना अच्छा नहीं लगता ना जितना तुझे अब लगा। नहीं, मुझे तब भी उतना ही अच्छा लगता, मैं और अच्छे से तैयार हो जाती। तो अब भी अच्छी लग रही है? तो तुम हमेशा रहती हो मुझे। सो गाइस, 1:30 बज चुके हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। तो अब लेट हो गया है, अब हम निकलते हैं घर के लिए। बाय बाय। सो गाइस, बाहर कितना अंधेरा हो गया है, एकदम बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और रोड पे कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 बज गए हैं और वैसे भी लॉकडाउन है। तो इसलिए तो गाइस, रात को मैं आने में लेट हो गया था, 2 बज गए थे, और सुबह से फिर मेरा ऑफिस का काम स्टार्ट हो गया तो मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अब शाम हो गई है और मेरा ऑफिस का काम भी ख़त्म हो गया। तो अब हम जा रहे हैं दी के बर्थडे पार्टी के लिए। कल रात को उसको पता नहीं था, हम सरप्राइज देने गए थे, लेकिन अब उसे पता है कि हम आ रहे हैं। तो देखते हैं उसने क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या बनाया है। तो चलिए,
लोग तरता किसके अब फिर जरा भरा याद रखेगा तू बड़ा मार। सो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ, और यहाँ दीदी ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, टेस्टी टेस्टी नाश्ता। मोई तो ये चिल्ली पनीर, कॉर्न चाट। मेरे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, मैं जल्दी से इसको खाने जा रही हूँ। सो नाश्ता हो चुका है, अब खाने की तैयारी। तो ये खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है, पूरियाँ तलने लगी हैं, सब्जी वब्जी सब रेडी है। ये मटर पनीर, छोले, रायता भी फ्रिज में है, मैं निकालती हूँ। सो गाइज हमको लग चुकी है बहुत तेज भूख, तो पहले अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम केक काटेंगे। सो खाना रेडी हो गया है, टेस्टी टेस्टी खाना, और अब हम खाने जा रहे हैं। सो ये छोले, रायता, मटर पनीर, पूरी और सैलड। अब हम खेल रहे हैं उनो, पत्ते भर चुके हैं। और ये मेरी चांस और प्लस फोर प्रिया को हमेशा मुझे ही क्यों देती है प्लस फोर, मैं नहीं खेल रही क्योंकि तू ही हर बार हारती है। सो लास्ट केक, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चम्मच दे दो। नाउ ईटिंग केक, और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग खत्म करती हूँ। आपको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।